शंकराचार्य स्वरूपानंद एक बार फिर अपने बयान को लेकर साईं भक्तों के निशाने पर हैं। शंकराचार्य ने साईं बाबा को लेकर विवादित बयान दिया है और महाराष्ट्र में पड़े सूखे के लिए सीधे तौर पर साईं पूजा को जिम्मेदार ठहराया है। शंकराचार्य ने महाराष्ट्र के सूखे पर अजीबोगरीब बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र और अन्य जगहों पर जो सूखा पड़ा है वो सिर्फ साईं बाबा की पूजा की देन है और इससे बचने के लिए अमंगलकारी साईं की पूजा को फौरन बंद कर देना चाहिए और सूखे से निजात पाने के लिए विघ्न विनाशक गणेश की पूजा शुरू कर देनी चाहिए। विवादित बयान के सिलसिले को जारी रखते हुए शंकराचार्य ने बयान का रुख शनि शिंगणापुर मंदिर में महिलाओं के प्रवेश की ओर मोड़ दिया। शंकराचार्य ने कहा कि जिस तरह से महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं वो तब तक नहीं रुकेंगे जब तक महिलाएं शनि की पूजा करना बंद नहीं करेंगी। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब शंकराचार्य स्वरूपानंद ने विवादित बयान देकर अपने लिए मुसीबत खड़ी कर ली है। इससे पहले भी उन्होंने कई बार साईं के अलावा महिलाओं और बौद्ध धर्म को लेकर टिप्पणी की है। शंकराचार्य खुद दो पीठों के प्रभार को लेकर करीब 24 साल तक कोर्ट के चक्कर काट चुके हैं और हर बार अपने विवादित बयान से सियासत से लेकर सड़क तक विवाद खड़ा करने का काम किया है। वर्ष 2014 में शंकराचार्य ने साईं पूजा का विरोध करने के लिए एक धर्म संसद का भी आयोजन किया था जहां सर्वसम्मति से साईं पूजा का बहिष्कार करने का ऐलान किया गया था। शंकराचार्य ने अपने विवादित बयानों में कहा है, साईं हिंदू धर्म के नहीं थे, साईं लोगों के मुंह में जबरन मांस ठूसते थे। साईं आम इंसान है जिसे लोग भगवान बना रहे हैं, ऐसे लोगों को हम भगवान नहीं मान सकते। शंकराचार्य ने साईं को लेकर भोपाल में एक विवादास्पद पोस्टर भी जारी किया था। इस पोस्टर में भगवान हनुमान पेड़ की शाख उखाड़ कर साईं बाबा को पीटते नजर आ रहे हैं। पोस्टर में साईं बाबा भागते हुए दिखाए गए हैं। राम मंदिर की राह में साईं को चुनौती बताते हुए शंकराचार्य ने कहा था, लोग जगह जगह साईं के मंदिर बनाने में जुटे हुए हैं, ऐसा ही चलता रहा तो हर जगह साईं के मंदिर होंगे और फिर हम राम मंदिर कैसे बनाएंगे। शंकराचार्य ने साईं के अलावा गौतम बुद्ध पर निशाना साधते हुए कहा था कि बुद्ध ने भारत के लिए ऐसा कुछ नहीं किया जिससे भारत बुद्ध की भूमि कहलाए। महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर उन्होंने कहा कि सुरापान के कारण ही महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, इस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जानी चाहिए। शंकराचार्य समय समय पर इस तरह के बयान देकर सुर्खियों में आ जाते हैं और ये नया बयान क्या बखेड़ा खड़ा करता है ये देखना बाकी है। खबरें और भी हैं, देखते रहिए डीबी लाइव।